रशियन फर्टिलाइजर्स के हवाले से। तो अब रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में, उस पे बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट है। रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह, रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया, चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो गया। आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ, चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया आईफोन वाले उसमें प्रोडक्शन प्लांट में, हाँ बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी मरे। कि रशिया जैसा मुल्क आपके सामने है, यू हैव बीन अ फॉरेन मिनिस्टर एंड यू नो द फॉरेन पॉलिसी, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइजर से लेना देना। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, टमाटर 240, लहसुन 340 और प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। लेकिन ये कि जो प्रेसिंग इशू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान की मईशत को इस तरह देखते हुए आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी होनी चाहिए? और जो डिफॉल्ट के जो बादल हमारे सर पे मंडला रहे, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो काफी इफेक्टिव है। He increased the percentage of fertilizer supplies to India 7.6 times. So, 760% increase, 7.6 गुना उन्होंने फर्टिलाइजर बढ़ाया। और जाहिर सी बात है, कोयला फर्टिलाइजर और तेल के रुपयों में अब डीलिंग हो रही है। जिक्र तो मैं अक्सर कहता हूँ, हम इस पे बहुत सारे शोज कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस पे स्टोरीज की हैं कि इंडिया उससे उन रशिया से खरीदता है। लेकिन अब जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके हवाले से भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडिया नंबर वन उसका इम्पोर्टर है रशिया से। और सुमित जी से उसका भी पता करेंगे कि उस पर भी कोई डिस्काउंटेड रेट है। सुमित जी, तो जो रशियन फर्टिलाइजर्स के हवाले से अभी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड कंट्री है और आजकल फर्टिलाइजर्स की कीमत, क्योंकि मैं खुद तो काश्तकारी कम करता हूँ, लेकिन यह कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है गाँव में, जो थोड़ी सी जमीन है उस हवाले से, तो अंदाजा है कि इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में। जी देखिए फगर भाई, हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर में कुछ है यूरिया और एक दो और फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाम जान नहीं आता। इनका शुरू से सबसे बड़ा जो इंडिया इंपोर्ट करता था करीब 30-35% वो रशिया से आता था। ओके सर, शुरू से, आज से नहीं। राइट, अब रशियन यूक्रेनी वॉर में क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन है एकदम नीचे गिर गई। अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा, वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं आएंगे, हमारे यहाँ नीम कोटेड यूरिया बिकता ताकि वो इधर उधर यूज ना, केवल फर्टिलाइजर भी यूज हो। तो हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए एपीआई, जैसे मेडिसिन में कहते हैं एपीआई चाइना से लेते थे या दवाई बनाते थे, वैसे हम कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स हम लेते थे रशिया से और उनको फिर यहाँ बना के देते थे। और यहाँ तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे मिलता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, इतनी बड़ी खेती होती है इंडिया में, इतने लार्ज होती है, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइजर से लेना देना। आपके शो पर हम पहले भी बात कर चुके थे कि रशिया यूक्रेन से फूड सिक्योरिटी क्यों उत्पन्न हुई, दो कारण थे। 30-33% दुनिया का वीट रशिया यूक्रेन से आता था, स्पेशली यूक्रेन से, और इतना ही फर्टिलाइजर रशिया यूक्रेन से आता था, फर्टिलाइजर के कंपोनेंट्स, खासकर रशिया से। पीछे व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली थी, बोला था कि भाई मोदी जी ने मुझे फोन किया और बोला कि हमें फर्टिलाइजर चाहिए, ये रशियन यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, कह रहा मैंने 7.6 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ा।